नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। पीजी परीक्षा एचपीयू शिमला ने घोषित किए आधे अधूरे परिणाम, विद्यार्थी परेशान। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के ईआरपी सिस्टम में इस बार सभी पीजी कोर्स में ऑन स्क्रीन करवाए गए मूल्यांकन से पैदा हुई छात्रों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। नए सिस्टम के कारण पहले ही 5 माह बाद रिजल्ट घोषित होने की प्रक्रिया शुरू हुई। जो रिजल्ट घोषित किए भी जा रहे हैं इनमें भी आधे अधूरे होने के मामले सामने आ रहे हैं। अगले सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे विद्यार्थी अब अपना पिछला परिणाम सेटल करवाने के लिए दौड़ धूप करें या फिर अगले सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी करें। ऐसे ही कुछ छात्रों के परिणाम घोषित करने के बाद डाउनलोड किए गए रिजल्ट कार्ड में 5 से सिर्फ 1 या 2 विषयों के ही पूरे अंक हैं, शेष का RLA दर्शाया गया। कई विद्यार्थियों के 2-2 विषयों के अवार्ड ही रिजल्ट कार्ड पर अंकित किए गए हैं। हिमाचल 10 अस्पतालों में सभी के लिए निःशुल्क डायलिसिस सुविधा शुरू, CM जयराम ने किया वर्चुअल शुभारम्भ। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में सभी किडनी रोगियों का डायलिसिस अब मुफ्त होगा। प्रारंभिक चरण में प्रदेश के 10 अस्पतालों में यह सुविधा मिलेगी। इनमें मंडी में 4, शिमला में, सोलन में 2-2 और कांगड़ा किन्नौर में 1-1 अस्पताल शामिल हैं। भविष्य में सभी अस्पताल इसमें शामिल किए जाएंगे। मौजूदा समय में केवल BPL, आयुष्मान और हिम केयर कार्ड धारकों को मुफ्त डायलिसिस हो रहा है। शेष को प्रति डायलिसिस ₹5,000 चुकाने पड़ रहे हैं। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र नियुक्ति की तारीख से नहीं मिलेगा वरिष्ठता का लाभ, CM ने दी जानकारी। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि विभिन्न विभागों में अनुबंध से नियमित हुए कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ देने का कोई विचार नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान विधायक पवन कुमार काजल के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठता का लाभ देने को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। सरकारी सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारी को वरिष्ठता नियमित नियुक्ति से ही देने का प्रावधान है। नगर निगम शिमला शहर में होंगे 41 वार्ड, अधिसूचना जारी, चुनाव में लागू होगा नया रोस्टर। जी हां, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अब नगर निगम के कुल 41 वार्ड होंगे। वार्डों के पुनर्सीमांकन को लेकर दायर आपत्तियां मंडलीय आयुक्त की ओर से खारिज किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने इस बारे में अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार शहर में 7 नए वार्ड बनाए गए हैं। इससे शहर में कुल वार्डों की संख्या 34 से बढ़कर 41 पहुँच गई है। शहर में अपर थेलु, डेंगूधार, कुसुमपट्टी 2, लोअर विकास नगर, ब्रॉकहास्ट, लोअर खालिनी और लोअर कृष्णा नगर नए वार्ड बनाए गए हैं। नगर निगम शिमला के चुनाव मई जून महीने में होने हैं। ऐसे में इस बार नगर निगम का सबसे बड़ा चुनाव होगा। अभी नगर निगम पर भाजपा का कब्जा है। 31 साल में पहली बार भाजपा ने निगम पर कब्जा जमाया था। इससे पहले नगर निगम में कांग्रेस का दबदबा रहा है। हिमाचल विधानसभा सत्र सदन में गुंजा गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने का मामला। जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने का मामला गुंजा। सिलाई से कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान और रेणुका से कांग्रेस विधायक विनय कुमार ने इस मामले पर सरकार की ओर से अब तक किए गए प्रयासों का विवरण मांगते हुए सरकार को जमकर घेरा। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाटी समुदाय के लिए कांग्रेस सही मायने में चिंतित होती तो इन्हें जनजातीय दर्जा पहले ही मिल जाना था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है, गिरिपार के लोग की मांग जायज है, केंद्र सरकार के समक्ष इस मामले को गंभीरता से उठाया जा रहा है। चंबा लूना छतराड़ी सड़क पर भारी भूस्खलन, 4 पंचायतों का संपर्क काटा। जी, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में लूना छतराड़ी मार्ग पर कोटला के पास भारी भूस्खलन हुआ है। इससे 4 पंचायतों का सड़क संपर्क कट गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात अचानक दरका पहाड़ और बड़ी मात्रा में मालवा व पत्थर सड़क पर आ गई। इसके बाद से यहां वाहनों की आवाजाही थम गई। विधानसभा चुनाव परिणाम, CM जयराम बोले, हिमाचल में भी एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जीत से यह साफ हो गया है कि हिमाचल में भी एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि सभी राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, इस बार चुनाव में कांग्रेस को खाता खोलने भी मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा है कि भाजपा को जिस प्रकार से सभी राज्यों में वोट प्रतिशत और जनमत मिला है, इससे पता चलता है कि जनता को मोदी सरकार से पूरा विश्वास है। उन्होंने दावा किया है कि हिमाचल में भी एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने जा रहे हैं।
तिब्बत विद्रोह दिवस धर्मशाला में फूका चीन के राष्ट्रपति का पुतला, निकाली आक्रोश रैली। जी हां, अपने 63वें विद्रोह दिवस के मौके पर तिब्बत समुदाय के हजारों लोगों ने धर्मशाला में चीन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मेटलोजगंज से लेकर धर्मशाला 10 किलोमीटर तक रैली निकाली। तिब्बत की आज़ादी को लेकर चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नारों में कहा कि भारत तिब्बत देश का चीन ही एक दुश्मन है, चीन दोनों देशों में अशांति फैला रहा है। रैली के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला भी जलाया गया। हिमाचल 5 दिनों तक मौसम साफ, धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी, ठंड से मिली राहत। जी हां, हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम साफ रहने का आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 14 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। राजधानी शिमला में भी आज सुबह से धूप खिली है, हालांकि आज 1-2 उच्च पर्वतीय स्थानों में बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। हिमाचल विधानसभा, कोरोना संकट से लंबित हुए 69 नेशनल हाईवे, अब 9 पर तेजी से चलेगा काम। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना संकट से 69 नेशनल हाईवे बनाने की प्रक्रिया लंबित हुई है। अब केंद्र सरकार को 9 नेशनल हाईवे बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा है, इन पर तेजी से काम चलेगा। प्रश्नकाल के दौरान नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सवाल पर मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि केंद्र सरकार से लगातार नेशनल हाईवे निर्माण का मामला उठाया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।